डर एक ऐसा शब्द जिसको लिखना तो बहुत आसान है, लेकिन जिसका सामना डर से होता है वो उस दिन को कभी भी भुला नहीं पाता। आखिर जब एक आत्मा के साथ जब किसी का सामना होता है तो वो डर कैसा होता है, आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। ये कहानी मुझे भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर रंजीत ने, तो मैं आगे की कहानी रंजीत के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनने में आपको भी थोड़ा अच्छा लगे। मेरा नाम है रंजीत और मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी फुटेज के कंट्रोल मेरे पास होते हैं, यानी कि मैं ये देख सकता हूँ कि कौन कहाँ जा रहा है और कौन हॉस्पिटल के अंदर आ रहा है, और मुझे मेरे काम में बहुत अच्छा लगता था। एक रात मैं चैन की नींद सो रहा था, लेकिन तभी रात के ठीक 2 बजे के आसपास मेरा एक दोस्त का कॉल आया, तो मैं कॉल रिसीव करके बात करने लगा। दूसरी तरफ से मेरा दोस्त विजय कहने लगा, अरे दोस्त मैं बहुत दिक्कत में फंस गया हूँ, मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और पैर पर बहुत ज़्यादा चोट लगा है, तो जल्दी गाड़ी लेकर ब्रिज वाले रास्ते पर आ जा। ये सुनकर मैं कॉल को कट किया और रेडी होकर गाड़ी लेकर निकल पड़ा। मैं गाड़ी बहुत तेज़ी से चला रहा था, इसलिए मैं आधे घंटे के अंदर ही ब्रिज के पास पहुँच गया। उसके बाद मैंने जैसे ही ब्रिज को क्रॉस किया तो गाड़ी को साइड में लगाकर विजय को कॉल किया, लेकिन इस बार विजय ने कॉल रिसीव किया ही नहीं। उसके बाद मैं कई बार विजय को कॉल किया लेकिन वो कॉल रिसीव किया ही नहीं। इसे मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके बाद मैं पैदल ही आगे बढ़ने लगा और ज़ोर ज़ोर से विजय को चिल्लाने लगा, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। इसे मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा और मन में ख्याल आने लगा कि कहीं विजय के साथ कुछ हो तो नहीं गया। उसके बाद मैं गाड़ी स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ने लगा और रास्ते की तरफ ध्यान भी दे रहा था कि कहीं रास्ते पर विजय दिख जाए, लेकिन तभी रास्ते पर मुझे 2 लड़के मिले जिन्होंने मुझे लिफ्ट मांगा, और उन 2 लड़कों से मैं पहले भी मिल चुका था जब वो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थे, और दोनों के साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्ती बन चुका था। लेकिन बहुत दिनों से ये कहीं पर गायब थे, यानी कि दिखाई ही नहीं दे रहे थे। बहुत दिनों के बाद आज मुझे वो फिर से दिखाई दिए। उन दोनों को देखकर मैं गाड़ी रोक दिया, तभी दोनों मेरे पास आकर कहने लगे, अरे भाई तुम हो क्या, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। ये सुनकर मैं कहने लगा, भाई थोड़ा काम का प्रेशर ज़्यादा है इसलिए थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। मेरा बात सुनकर वो दोनों कहने लगे, हाँ भाई काम भी तो ज़रूरी है, नहीं तो घर कैसे चलेगा। ये सुनकर मैं भी उनके बातों में हामी भरा और कहने लगा, तुम दोनों इतने रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उनमें से एक लड़का राज मुझे कहने लगा, अरे यार घर ही जा रहे थे, लेकिन ये गाड़ी है कि बीच रास्ते पर ही रुक गया और स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये सुनकर मैं कहने लगा, कोई बात नहीं तुम मेरे गाड़ी पर बैठ जाओ, तुमको मैं घर पर ड्रॉप कर दूंगा। मेरा बात सुनकर दोनों गाड़ी के अंदर बैठ गए, लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कि गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। गाड़ी का एसी तो बंद था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे शरीर के ऊपर बर्फ गिरा दिया हो। उसके बाद मैं गाड़ी स्टार्ट किया और हम लोग आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ दूर जाते ही कार के अंदर से बहुत ही अजीब तरह के बदबू आने लगे। ऐसा लग रहा था कि आसपास कोई लाश सड़ रहा हो। इसे मैं थोड़ा डर गया था, और तभी मैं राज को कहने लगा, राज इस गाड़ी के अंदर एक अजीब सा बदबू आ रहा है ना। ये सुनकर राज कहने लगा, हाँ यार बदबू तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है। उसके बाद मैं राज के घड़ी पर टाइम देखने के लिए उसके हाथ को पकड़ कर कहने लगा, अरे टाइम क्या हुआ है थोड़ा दिखाना। लेकिन जैसे ही मैंने घड़ी पर टाइम देखा तो घड़ी पर 3 बज रहे थे और उसका घड़ी 3 बजकर ही रुक गया था। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाली बात तो ये था कि राज का हाथ बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैंने किसी बर्फ के ऊपर हाथ रख दिया हो। तभी मेरे फ़ोन पर विजय का कॉल आया। उसके बाद मैं जैसे ही कॉल रिसीव किया तो विजय दूसरी तरफ से ही कहने लगा, अरे भाई इतने रात को कॉल क्यों किया था, कुछ काम है क्या। ये सुनकर मैं पूरी तरह सुन हो चुका था। उसके बाद मैं कॉल को काट दिया और मोबाइल को सामने रख कर जैसे ही राज की तरफ देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था और उसके सिर से खून गिर रहे थे। ये नज़ारा देखकर मैं डर के मारे पसीने से भीग चुका था। तो फिर राज कहने लगा, अरे तुमको क्या हुआ। उसके बाद मैं दोबारा जब राज की तरफ देखा तो वो ठीक था। उसके बाद मैं तेज़ी से गाड़ी को भगाने लगा और उन दोनों को उनके घर के सामने ड्रॉप कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा आगे जाकर पीछे पलट कर देखा तो वो दोनों
गायब थे। इसे मैं डर के मारे कांपने लगा था, लेकिन 2 दिनों के बाद जब मैंने उन दोनों के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि वो दोनों ट्रीटमेंट के दौरान ही मर गए थे, और उन दोनों का एक्सीडेंट उसी जगह पर हुआ था जहाँ से उन्होंने मुझे रात को लिफ्ट मांगा था। लेकिन आज भी जब मैं उस हादसे को याद करता हूँ तो मेरे डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।